गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। बेहद खास सेशन है फ्रेंड्स, डेट है आज 29 जुलाई और शाम के बज रहे हैं 6। दिन था मंडे का, बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया है निफ्टी ने आज, तकरीबन 95 पॉइंट्स डाउन होकर बंद हुआ है। और अगर निफ्टी 95 पॉइंट्स डाउन होकर बंद हुआ है तो आखिर हम आपसे ये क्यों कह रहे हैं कि ये सेशन बहुत शानदार है? और उसकी वजह यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको पहले से ये मालूम हो कि निफ्टी के अंदर ये गिरावट होने वाली है और आपको अप्रॉक्सीमेट वो लेवल्स भी पता हों कि जिन लेवल्स तक निफ्टी आ सकता है, तो सेशन वाकई एक्सीलेंट ही होता है। और आज का ये सेशन इसीलिए बहुत खास है फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वजहों से। ऐसे कैसे था कि शेयर एकेडमी और इसके जितने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उन्हें पहले से पता था कि निफ्टी का ये करंट लेवल 11,150 आने वाला है और साथ ही अगला लेवल निफ्टी का और कौन सा आ सकता है, उन सभी के बारे में। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह का कोई जादू नहीं है, यहाँ पर प्योर डाटा एनालिसिस है। अगर आप नॉलेज रखते हैं और डाटा एनालिसिस करना जानते हैं तो आप बिल्कुल जान सकते हैं कई बार निफ्टी का, अगर मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप कई बार ये जान सकते हैं कि निफ्टी किन लेवल्स तक आ जा सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए या फिर अपनी पोजीशंस अच्छी तरह से मार्केट में बनाने के लिए। सो आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का सेशन है, जिसके अंदर हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि आखिर कैसे, कौन से नॉलेज का इस्तेमाल करके आप ये चीज़ें पहले से जान सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब हमने निफ्टी का ये पर्टिकुलर लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं। इससे पहले भी निफ्टी के ये लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए कैसे, 9 जुलाई के दिन, ये देख रहे हैं आप वीडियो, 9 जुलाई के दिन हमने सबसे पहली बार ये कहना शुरू किया था कि निफ्टी 11,400 के लेवल तक आ सकता है। और 9 जुलाई को निफ्टी का जो लेवल था उस समय, वो तकरीबन था, जो निफ्टी ट्रेड कर रहा था उस समय 11,555 के आसपास। उसके बाद निफ्टी के अंदर ये अप ट्रेंड आया, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आई और लोगों ने कहा कि नहीं, अब निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा निफ्टी के अंदर। बट हम मना कर रहे थे लोगों से बाइंग करने के लिए, जो हमारे सब्सक्राइबर थे अपने उनसे मना कर रहे थे जब निफ्टी 11,900 के आसपास था यहीं से, क्यों? ये जो गैप अप ओपन था, इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी को नीचे आना था, तो इस वजह से हम मना कर रहे थे हमेशा से। और 9 दिनों पहले हमने बताया था कि 7 दिनों पहले कि निफ्टी 11,400 के लेवल पर आएगा। देन उसके बाद निफ्टी किस डेट में आता है, ये डेट ये देखिए, जब हमने बताया था कि 7 दिन पहले कैसे जाना कि निफ्टी 11,400 पर आएगा, ठीक है? और ये थी डेट 19th जून की कि निफ्टी 11,400 पहले से कैसे जाना, 19th जुलाई की। और 19th जुलाई को निफ्टी ने एग्जैक्ट यही लेवल्स दिखाए, ये देखिए, ये है 19th जुलाई का, ठीक है, 19th जुलाई का लेवल था, निफ्टी एग्जैक्ट 11,400 के लेवल पर आया। नाउ ये तो हो गया, और इसके बाद हमने ये वीडियो भी डाल दिया था कि 11,400 के लेवल पर निफ्टी कैसे आया। अगर आपको जानना है कि ये हमको कैसे पता चला, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। बट आज का ये सेशन इसके लिए नहीं है, आज का ये सेशन है कि आखिर हमको 11,150 का लेवल कैसे पता चला, और वो भी 10 दिनों पहले कैसे। सो जिस दिन से निफ्टी 11,400 के लेवल पर आया था, उस दिन से हम जो अपनी रेगुलर सेशंस हो रहे थे उनमें भी, इवनिंग सेशंस जो थे लर्न टू अर्न सीरीज के, उनके अंदर भी लगातार बता रहे थे कि निफ्टी के लिए अगले जो लेवल्स होने वाले हैं वो 11,150 के और उसके बाद 11,000 के लेवल्स। कैसे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो ये एनालिसिस है प्योर नॉलेज है, नथिंग एल्स। तो जो अगली आने वाली एनालिसिस है इसे ध्यान से सुनिए, ये 16th जुलाई का लाइव स्ट्रीमिंग है हमारी आफ्टरनून सेशन की, 16th जुलाई, जिस समय के निफ्टी देखते हैं जरा किस लेवल पर है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं जरा कि 16th जुलाई को, ठीक है ना, सो 16th जुलाई को निफ्टी है किन लेवल्स पे, ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये लेवल्स दिखेगा यहां पर 11,600 पर। और 16th जुलाई को हम क्या कह रहे हैं कि निफ्टी आएगा 11,400 के लेवल पर, ठीक है? और ये वो पर्टिकुलर डे था जिस दिन न केवल 11,400 का लेवल बल्कि 11,400, 11,150 और 11,000 के लेवल भी प्रेडिक्ट किए थे हमने। कैसे, क्वेश्चन है कैसे,
जब निफ्टी चल रहा हो 11,600 पर, 11,660 पर, उस समय हम ये क्यों कह रहे हैं कि निफ्टी के लेवल 11,100 के हैं? जरा ध्यान से इस जो प्रिडिक्शन है अभी इसके बाद की, जो बेसिकली प्रिडिक्शन नहीं, ये डाटा एनालिसिस है, इस डाटा एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, ओके? 1082 के लेवल के पास में, बट शेयर मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है. जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, इसे ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा इस क्लिप को, जो कि है 16th जुलाई की, और जिसके अंदर हम निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, एक बार जरा निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. करंट मार्केट की जो हालत है, इस मार्केट में आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आनी ही चाहिए. क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए. जरा ध्यान से सुनिए, करंटली मार्केट जा रही है धीरे धीरे अपट्रेंड की तरफ. कहाँ? आज निफ्टी 11,665 पर है, ठीक? तो जरा एक बार चार्ट पर देख लें, 11,665 50 डेज मूविंग एवरेज के करीब है निफ्टी, 50 डेज मूविंग एवरेज के पास में रेसिस्टेंस लेने के लिए. हर मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस का काम और एक सपोर्ट का काम करता है. करंटली 50 डेज मूविंग एवरेज एक रेसिस्टेंस का काम करेगा. एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 11,653 पर, निफ्टी उसी के आसपास में आकर थोड़ा सा रुक रहा है, 11,662 के पास में है, तो 11,653 के पास में एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा रेसिस्टेंस ले रहा है. अब देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस, ध्यान से सुनिएगा इसे. नहीं समझ में आ रहा है तो भी ध्यान से सुनते रहिएगा, सुनते सुनते आपकी समझ में आने लगेगा. कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पर? 11,550 पर हुई है आज, 11,600 पर हुई है, 11,650 पर हुई है. ये जितनी भी आपको अपसाइड दिख रहा है ना, जितना आज अप ट्रेंड आ रखा है, ये पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया हुआ है. बेहतरीन. इसके अलावा और मज़ेदार चीज़ क्या है? अरे ये तो बड़ा कमाल ही है यार. हाँ, 18 जुलाई का ही तो है. 11,800 पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, 11,900 पर शॉर्ट कवरिंग हुई है, और 12,100 पर शॉर्ट कवरिंग, यानी पूरी तरह से कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिसकी वजह से निफ्टी इतने शानदार तरीके से भागा है. क्लियर संकेत है कि ट्रैप किए जा रहे हैं वो लोग जो निफ्टी के अंदर इस समय बाय करने के चक्कर में हैं. सर ऑप्शन चेन एनालिसिस का स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? शैलन जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट आज शायद ये ना हो पाए, इसे हम कल से शुरू कर देंगे. ये अच्छा आपने बताया, ओके गुड. चलिए कल से हम ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है ना, उसका स्क्रीन भी शेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, तो ये था एनालिसिस जो कि 16th जुलाई का था. और अब देखिए सबसे मज़ेदार हुआ है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई के दिन निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा था? 22 जुलाई के सेशन में निफ्टी था अप्रॉक्सीमेट 11,400 के पास में ट्रेड कर रहा था. 11,400 के पास ट्रेड करता हुआ निफ्टी, लेकिन ऑप्शन चेन के अंदर जो शानदार एनालिसिस हुई है उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 22 जुलाई वो दिन था जब से हमने कहना शुरू किया था कि निफ्टी 11,000 के लेवल्स पर आ सकता है, ओके? सो ये है डेट 22 जुलाई की, लाइव ट्रेडिंग सेशन था आफ्टरनून का, और उस समय का जरा ध्यान से सुनिएगा. ये नॉलेज एनालिसिस है, इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है, ये कोई भी सीख सकता है. इसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपके सामने है अभी करंटली, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट, इसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक? ये है बेसिकली निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस आज के दिन की, ठीक है? और जो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स उसे सुनते रहिएगा काइंडली, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है. और करंटली मार्केट ट्रेड हो रही है डेरिवेटिव्स से, और डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस, ठीक है? सो इस वजह से ऑप्शन चेन एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो जो आपकी सेटिंग है उसे करंटली 720 पर कर दीजिए, तो आपको क्लियर दिखने लगेगा, ओके फ्रेंड्स? अब ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो भी सुनते रहिए, ठीक है? सुनने से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा. 8,32,000, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा कि निफ्टी के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है. कॉल साइड से, जो कि लेफ्ट साइड है इसकी, ठीक है ना, कॉल साइड से पूरी तरह से जो राइटर्स हैं वो एक्टिव हैं. किस लेवल पर? 11,400 पर. और मज़ेदार चीज़ क्या है कि 11,400 पर प्रीमियम कम हो रहा है और 11,400 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है. सेम यही हालत है 11,500 की, प्रीमियम कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है. नाउ इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या है, प्रीमियम कम होना और ओपन इंटरेस्ट बढ़ना? इसका मतलब है कि हर कोई आकर 11,400 पर बेच रहा है. सारे कॉल राइटर्स कह रहे हैं कि हम बेचेंगे, खरीदो खरीदो खरीदो. इसका मतलब क्या है? बेचते कॉल राइटर्स वही चीज़ हैं जो होनी नहीं है, तभी तो उनका प्रॉफिट बनेगा. अगर वो कॉल बेचें और मार्केट ऊपर चली जाए तो उनका प्रॉफिट थोड़े बनेगा. इसका मतलब है कि निफ्टी 11,400 पर नहीं जाना है, 11,400 पर निफ्टी नहीं जाना है, यानी निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में. निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, क्वेश्चन, अगर निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि फिर निफ्टी नीचे कहां तक जाएगा. और जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब हमें खुद भी यकीन नहीं हो रहा है इस चीज़ पर, बट दिल थाम कर बैठिएगा. निफ्टी की नीचे की रेंज जो हमने सैटरडे को बोली थी आपको 11,150, पुट साइड में ये वो पहला रेंज है जहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बढ़ा है और साथ ही साथ प्रीमियम कम हुआ है. पुट साइड में
11,150, इसके बाद 11,000 तक का पूरा लेवल खुला हुआ है। हमारे लिए निफ्टी का अगला लेवल 11,000 का है। 11,150 पहला पड़ाव होगा हल्का सा, अगला लेवल 11,000 का ही है। ये सेम उतने ही कमिटमेंट के साथ हम कह रहे हैं जितने कमिटमेंट के साथ 11,400 कह रहे थे, ठीक है ना। तो निफ्टी के लिए ऊपर 11,400 जिसको पार नहीं करेगा निफ्टी, बिल्कुल नहीं करेगा, और नीचे 11,000 का लेवल। तैयार हो जाइए और तैयारी कर लीजिए। तो जितने भी ओके फ्रेंड्स, सो ये कमिटमेंट आपने देखा, और कन्विक्शन क्यों आ रहा था, डाटा का एनालिसिस की वजह से कन्विक्शन आ रहा था। और सबसे लास्ट जो सबसे शानदार एनालिसिस हुई थी ये है 23 जुलाई को, यानी उसके ठीक अगले दिन, 22 जुलाई के ठीक अगले दिन, जब सब कह रहे थे कि निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, और ज़्यादातर बिजनेस चैनल्स ने ये डिस्कस करना शुरू किया था कि अब यहां से निफ्टी 11,600 के लिए तैयार हो रहा है चलने के लिए। उस दिन की एनालिसिस आप ध्यान से सुनिए, अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो भी सुनिए और देखिए कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपको नॉलेज और डाटा एनालिसिस करना आता हो, तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी के बारे में मूवमेंट जो है निफ्टी का, वो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस से और टेक्निकल एनालिसिस से सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 23 जुलाई की कॉल है ये। ओके फ्रेंड्स, ब्राउज एंड वी वांट पीएल, नॉट ऑल फॉर्मेट्स, वी वांट ऑल फाइल्स, डेस्कटॉप एंड पीएल। वो हम बैकग्राउंड में तैयारी कर रहे थे फ्रेंड्स कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बॉक्स में डालिए ऑप्शन चेन एनालिसिस लाने के, तो शुरू कर देंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी को अच्छी तरह से समझने के लिए, इसके मूवमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौस्तुभ जी होल्ड कीजिए शक्ति पंप्स को, ठीक है। ओके विनय जी कर देंगे इसे, ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। फ्रेंड्स 52 लोग देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। देखिए, जैसे जब तक आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखी थी, तब तक आप लोगों को ये नहीं पता था कि टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार सीख गए तब आपको पता है कि डाउन ट्रेंड चार्ट को अवॉइड करना है। सेम वैसे ही है ऑप्शन चेन एनालिसिस, अगर आपको नहीं पता है तब तक आप अवॉइड करते रहते हैं इसे, लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं तब आपको पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इसलिए इसे ज़रूर सीखिए, हम मूर्ख नहीं है कोई जो आप लोगों को ये सिखाने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों ने देखा है कि जब आप सीख जाते हैं तो मतलब आपके पास में क्लैरिटी बिल्कुल अलग लेवल की आती है। ओके, और अब फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो इसे सिर्फ और सिर्फ देखते रहिएगा बस, ठीक है। एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, आज आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट करके भी लाए हैं, क्योंकि इस पर हमारा जो पेन है ना वो नहीं चलता इस वजह से, ठीक है। एक मिनट, एक बार देख लेते हैं जरा। 11,000 की कॉल पे 18,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, 11,00,000 पर 11,000 की कॉल में 18, हाँ गुड। ओके फ्रेंड्स ध्यान से देखते रहिएगा, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो जो सेटिंग है आपकी यूट्यूब की उसके अंदर जाइए और उसे 720 पर चलाइए, ठीक है ना। 720 पर चलाएंगे तो जो क्लैरिटी है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके अब ध्यान से सुनते रहिएगा, लेफ्ट साइड में है कॉल्स और राइट साइड में है पुट। अब ध्यान से सुनिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। निफ्टी मॉर्निंग में जो करीब 60 पॉइंट अप था वो पूरी तरह से अपनी बढ़त पूरी गंवा दी है निफ्टी ने, ठीक है। और करंटली निफ्टी एग्जैक्ट 11,340 पर चल रहा है। इस समय ऑप्शन चेन एनालिसिस की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है। कॉल साइड में बहुत मज़ेदार काम हो रहा है, क्या ऊपरी स्तरों से जितने राइटर्स ने जितनी राइटिंग कर रखी थी ना वो सारी अपनी पोजीशंस हटा रहे हैं। कहां कहां से हटा रहे हैं, 11,600 से, 700 से, 800 से, और इनके बीच में जो वैल्यूज हैं वहां से भी। यानी निफ्टी ऊपर नहीं जाना है, दिस इज श्योर, बिल्कुल 100% श्योर है कि निफ्टी ऊपर नहीं जाना है। एक चीज अगर ऊपर नहीं जाना है तो ऊपर कहां तक नहीं जाना है, कहां पर निफ्टी को रेसिस्टेंस मिलेगा, तो रेसिस्टेंस है 11,400, 11,500, 11,600। सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 11,400 पर, सबसे नज़दीक 31,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें आज 2,34,000 शेयर ऐड हुए हैं। जब जब निफ्टी ऊपर जाएगा ना तब तब वहां से निफ्टी को वापस नीचे भेज दिया जाएगा 11,400 से। 11,400 के ऊपर नहीं जाना है निफ्टी, बिल्कुल तय है। अगर 11,400 के ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे निफ्टी कहां तक जाएगा, सबसे पहले निचले स्तरों पर निफ्टी के लेवल हैं 11,300 के पास में। कितना, 15,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में आज ऐड हुआ है, टोटल 53,00,000 शेयर हैं 11,300 पर। यानी जब जब निफ्टी 11,300 के पास जाएगा
तब तब नीचे से ऊपर भेजा जाएगा। देखिए कितनी मजेदार चीज होगी। पूरे वीक में जो ऑप्शन राइटर है ना, वो ऑप्शन बायर को आसानी से मारेंगे। कैसे? ये निफ्टी को 11,300 से 11,400 के बीच में झुलाते रहेंगे और जो टाइम डिके है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है फ्रेंड्स, तो सिर्फ सुनते रहिएगा, ठीक है। टाइम डिके होने से भी जो ऑप्शन बायर है उनको नुकसान होता है। ऑप्शन बायर को ये चीज अच्छी तरह से पता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मंथ के लास्ट में कभी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो इस पूरे वीक निफ्टी 11,300 से 11,400 के बीच में झूलेगा। बट और भी है एक ऐसी चीज जिस पर किसी का अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, ये है 23 जुलाई के दिन। 23 जुलाई का जो पूरा वीक था, इस समय निफ्टी 11,150 पर नहीं आया। निफ्टी कब आया है 11,150 पर? आज 29 जुलाई को मंडे के दिन, यानी जो हमने कहा था क्या कि उस पूरे वीक में निफ्टी झूलता रहेगा 11,300 से लेकर 11,400 के बीच में, और वही हुआ। अब जरा आगे सुनिए, ध्यान नहीं जा रहा क्या? मंडे के दिन निफ्टी बहुत नीचे खुला, यानी कि मंडे के दिन निफ्टी के अंदर गिरावट हुई बहुत तगड़ी। ये गिरावट संकेत है कि निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स बन रहे थे। नाउ फ्रेश शॉर्ट्स अगर निफ्टी के अंदर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस दिन निफ्टी में क्लोजिंग होगी वीकली, यानी बृहस्पतिवार के दिन, उस दिन ये शॉर्ट्स कवर होने चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं वो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि हम गलत हों, बट ज़्यादा चांस इस चीज़ का है कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी के अंदर एक बहुत तेज़ी से अप ट्रेंड आएगा, शानदार अप ट्रेंड होगा करीब 100-150 पॉइंट का, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग्स होंगी। जितनी नीचे की तरफ ये पोजीशन बन रही है ना सारी की सारी, 11,300 पर 53 लाख शेयर खड़े हैं, 28 लाख शेयर खड़े हैं 11,200 पर, ये सारे के सारे एकदम से बृहस्पतिवार के दिन जब पोजीशंस क्लोज करेंगे ना राइटर्स, तो निफ्टी के अंदर करीब 100 से 150 पॉइंट का एक स्विंग अप ट्रेंड की तरफ आएगा। तो सलाह ये है कि जब जब निफ्टी 11,300 पर आए तब तब कॉल्स खरीदिए, और जब जब 11,400 पर जाए तब तब पुट खरीदिए, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी के लिए नीचे की लेवल्स ओपन है 11,150 और 11,000 का लेवल, ये आएगा अगले वीक से शुरू होगा इसका सारा मोमेंटम, ये इस वीक में कुछ नहीं होगा। इस वीक में निफ्टी को 11,400 से 11,300 के बीच झुलाते रहेंगे, प्रीमियम डिके करेंगे और प्रीमियम खाएंगे जितने ऑप्शन राइटर हैं वो। निफ्टी का नेक्स्ट लेवल 11,150 से लेकर 11,100 का, 11,100 मान लीजिए 11,000 का, 11,150 से 11,000 का, ये लेवल्स अगले वीक के लिए ओपन हैं और निफ्टी को बिल्कुल वहां तक जाना चाहिए। और इसका कॉरोबोरेशन कहां से मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जरा निफ्टी के चार्ट को, तब आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर होगा। ओके, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, ठीक है ना, गुड। ये रहा निफ्टी का चार्ट, इसे ध्यान से देखिएगा। ओहो, और निफ्टी के अंदर धीरे धीरे गिरावट बढ़ रही है, बहुत सही। 11,300 के नीचे जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और करेंटली निफ्टी ये एक सपोर्ट लेवल है 11,300 के पास में ही निफ्टी का, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज भी है, ठीक। और इसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 11,150 का है टेक्निकल पर भी, और यही चीज़ कॉरोबोरेट हो रही है कहाँ से, ऑप्शन चेन एनालिसिस से भी। सो इस वजह से बहुत सावधान रहने की जरूरत है निफ्टी के अंदर। ओके, अब आपकी कॉल्स ले लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स जरा ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि उस पूरे वीक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, और उस पूरे वीक निफ्टी नहीं कहीं नहीं गया, और मंडे से अगले दिन के लिए जो रेंज खुली थी 11,150, और वो रेंज आज मंडे के दिन निफ्टी सेम वहीं पर, लोअर लेवल क्या बनाए हैं 11,152 का, यानी 11,150 आज सेम उसी रेंज पर टच करके वापस जा रहा है ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये नहीं कि नॉलेज की शेखी बघार रहे हैं, बट ये कि ये नॉलेज आपको भी मिल सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। प्लेलिस्ट के अंदर जाइए शेयर अकेडमी की, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी लर्न टू अर्न सीरीज की, इसे ध्यान से देखिए। 18 वीडियो हैं 10-10 मिनट के, ये देखने पर आप सबसे पहले तो ये सीख जाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, और चार्ट पर शेयर्स के लेवल्स कैसे निकालने हैं या निफ्टी के लेवल्स कैसे निकालने हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको आ गई। उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सिखाएंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस आपने सीख ली तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप किसी भी दूसरे निवेशक से या किसी भी दूसरे ट्रेडर से पहले
ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए, एनालिसिस का नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हुए आप ये जान सकते हैं कि निफ्टी की शॉर्ट टर्म में रेंज किधर जा सकती है। ऑप्शन चेन एनालिसिस बेसिकली शॉर्ट टर्म में निफ्टी का मूवमेंट बताने के लिए बहुत ही शानदार है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इन चीज़ों के लिए आप, इनकी महत्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शेयर अकेडमी में हमने हमेशा से कह रखा है कि हम कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए करते हैं। और आप देखते हैं फ्रेंड्स कि चूंकि हम इसका इस्तेमाल नॉलेज के लिए करते हैं इसलिए हम इसमें बहुत डीप जाते हैं, और इस वजह से जो ये एनालिसिस है वो इतनी शानदार रिजल्ट देकर आती है कि कैसे 11,400 का लेवल 7 दिनों पहले और 11,150 का लेवल 10 दिनों पहले कैसे पता चला हमें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। सो आपसे फ्रेंड्स हमारी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली कमेंट बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये बताइए कि क्या ये चीज़ बहुत कठिन है, क्या इसे सीखना बहुत कठिन है, क्या ये कोई जादू है। ये सिंपल साइंस और डाटा एनालिसिस है। आप अगर डाटा एनालिसिस करना जानते हैं तो आप भी ये काम कर सकते हैं। काइंडली वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला या कुछ भी नॉलेज वाला है। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस तरह के जो वीडियोस हैं इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए निफ्टी में हमारी रेंज जो है वो नीचे की तरफ ओपन है जो कि है 11,000 की, और इसके बाद निफ्टी में हमारे लिए नीचे के लेवल्स 10,500 तक के ओपन हैं। देखते हैं कि वो कहाँ तक आते हैं, चूँकि ओवरऑल वर्ल्ड इकॉनमी और इंडियन इकॉनमी की हालत ख़राब है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मुलाकात होगी फ्रेंड्स आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर अकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर अकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।